Recently, Tiwari ji and Bibhuti fame Rohitash Kaur and Asif Sheikh spotted at Mumbai Traffic Police Road Safety Campaign. And what they shared in the interview here, take a look at the interview. ये एक अच्छी कोशिश है ट्रैफिक पुलिस की, ये इस तरह के प्रोग्राम्स रखते हैं जहाँ पे लोगों को सेफ्टी के जो जो नॉर्म्स हैं बताए जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज रोड्स पे अगर हम थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा सा अगर हम रूल्स फॉलो करें तो एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे। अगर ये कोशिश है और लोग अवेयर हो जाएं इस चीज़ को लेकर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड सेफ्टी रूल्स कि रोड पर गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, ट्रक कौन सी लेन में होना चाहिए, छोटे व्हीकल्स कौन सी लेन में होना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू ड्राइव ऑन द हाईवेज ऑल्सो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी नॉर्म्स, और ये अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी कोशिश है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। देखिए मेरा ये कहना है कि क्योंकि हमारे देश की एक मतलब ये मतलब एक विडंबना रही है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ों को समझाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और हमारे जैसे लोग जब बीच में आते हैं बात को कहने के लिए तो वो ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले इतनी नई भीड़ नहीं थी, आसिफ भाई के आने पर जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए और इन्हें ध्यान से सुनने लगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम अपना फ़र्ज निभाने आए हैं कि हम जो है इनके दिमाग में घुसड़ें कि भाई ये चीज़ें सही बात है। इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, मेरी तनख्वाह कब दोगे 6 महीने की? आए दूसरों को बना रहे हो बेटे, वो कभी ना मिलेगी। सेठ जी आप ही बात कर लो। नहीं, लगभग ऑन द स्पॉट ही था, कुछ चीज़ें बस दिमागी तौर पर ऐसे ही कि इसके बाद ये करेंगे ये करेंगे, सब इम्प्रोवाइज था। Hands on traffic bomb, Mumbai traffic police is the best in India. Hands on Mumbai police, yes, Mumbai police also next to Scotland Yard. So मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जो traffic police है बहुत efficient है और बहुत helpful है, और मैंने ये चीज़ एक बार नहीं कई बार इस बात को महसूस किया है। जो आप देखते हैं कभी कोई बुढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ रोड के ऊपर तो देख कम पर्सनली रोड क्रॉस कराते हैं उसको, एंड दिस लाइक ये जेस्टर्स हैं जो आप जो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं पिछले एक नॉर्मल एक सिविलियन और एक पुलिस मैन के बीच में। सो ये बड़ी अच्छी कोशिश है और मैं रियली इसको मैंने अप्रिशिएट किया, और मैं जान आई वॉन्टेड टू कम फॉर दिस इवेंट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सोसाइटी को कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। अगर हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंस अगर चार लोग उसको सीरियसली लें तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटे से शहर को बिलोंग करता हूँ जो एक छोटा सा टाउन है, और उसके आसपास जो एक पूरा प्रदेश है जहाँ की पुलिस जो है अगर आप लाइन में भी खड़े अगर सबसे आगे भी हैं तो पहले आपको सबसे पीछे कर देगी कि दोबारा से शुरू हो, समझ गए। लेकिन बॉम्बे की पुलिस में मैंने एक डिसिप्लिन देखा है, यहाँ पर मैंने कभी भी बदतमीज़ी करते नहीं, वो बात सुनते हैं आपकी कुछ भी तमीज़दार है, हमें कोई ऐसी बदतमीजी नहीं है कि खड़ पानो पहले तू इधर आ, तू इधर आ। मैं अरे सेठ मैं हूं यार। अच्छा अच्छा, तो मेरे को लगा ये इस तरह का व्यवहार नहीं है वहाँ पर जैसे, तो ये एक डिसिप्लिन है जो मैंने देखा बॉम्बे में। इसको दर्द बयां कीजिए। भाई देखिए हम मैं तो अपने घर से रोज 52 किलोमीटर जाता हूँ, 52 किलोमीटर आता हूँ, मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है बीच में बिकॉज हाईवे से जाना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि एक सर्टन पोर्शन है उसको छोड़ के मोस्टली ट्रैफिक हमें सही मिलता है, मोस्टली एक वो थोड़ा सा हमारा एक पैच है जहाँ पे वो ब्रिज की कुछ इश्यूज हैं वहाँ पे, अदरवाइज ट्रैफिक, एंड कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम भी हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिस दे टेक ओवर इमीडिएटली एंड देन यू नो उसको प्रॉपर करते हैं ट्रैफिक। और मेरा ये मानना है कि बॉम्बे में कितनी छोटी छोटी रोड्स हैं आप देखिए, उस उन रोड्स पे ट्रैफिक चलाना, इतना ट्रैफिक चलाना और ऐसे मैनेज करना, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑन। हाँ मैंने किया है एक दो बार और बहुत बुरी तरह से लताड़ा गया हूँ। मैं तो सही चलाता हूँ लेकिन जब देखा कि गाड़ी आगे जा रही, मुझे याद है इन्होंने 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी, मैं तोड़ दिए सारे सिग्नल, और उसके बाद इन्होंने मार भी बहुत खाई, नहीं दे रही। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और इस सिटी को और बेहतर बनाएं, और
अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको देख के चार लोग और फॉलो करेंगे, बिकॉज आप देखते हैं कि कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो और दो गाड़ी रुक जाती है उसके साथ, अगर मैं भी चला गया तो लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर आप आपका सिग्नल नहीं है तो प्लीज़ गाड़ी रोकें और चार लोगों को और को बोलिए कि सिग्नल फॉलो करें और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। देखिए बॉम्बे में फिर भी लोग समझदार हैं, जैसे आसिफ भाई ने कहा रुकते हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन छोटे शहर के लोग भी अगर इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो इस पे सोने पे सुहागा होगा। लेकिन छोटे शहर में मैंने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करना एक गर्व की बात मानते हैं लोग, वो मतलब अपना अरे देख अभी देख अभी देख मैं ओ देख तेरी काले अभी देख मैं आगे बढ़ूंगा और तुरंत आगे गाड़ी निकाल के खड़ी कर लेते हैं और अपने आप को उसका मतलब मैं कितना वीर हूँ, देखो मैंने सिग्नल तोड़ दिया। It's a news report from Nexon Volt.